ट्विन सिलेंडर होने के बावजूद इसमें भाई आपको 210 लीटर की फिर भी बूट स्पेस देखने को मिल जाती है, मतलब टाटा ने। राम राम दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका अपना अमन तिवारी। तो भाई आज की इस वीडियो में बात की जाए तो आज हम आप सबकी मन पसंदा कार, इंडिया की मोस्ट सेलिंग हैचबैक कार टाटा अल्ट्रोस एक्जेम प्लस ICNG वेरिएंट के बारे में लेके आए हो। भाई आज की इस वीडियो में देखेंगे भाई इसके प्राइस क्या है और 2024 में इसमें क्या न्यू अपडेट आपको देखने को मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले भाई बात की जाए इसकी की से, तो यहाँ पे आपको की इस तरीके से देखने को मिल जाती जिसमें आपको लॉक अनलॉक और यहाँ पे हेडलाइट ओपन करने की बटन मिल जाती और एक की आपको कुछ इस तरीके से मैनुअली ऑपरेट करने के लिए टोटल देखने को मिल जाती। साथ ही में अगर बात की जाए भाई इसके इंजन की, तो यहाँ पे इसमें आपको देखने को मिल जाता है 1.2 लीटर ICNG इंजन, जिसके अगर पावर की बात की जाए तो 72 BHP और 103 NM पावर आपको देखने को मिल जाती है। मतलब अगर ICNG वेरिएंट की बात की जाए तो पावर वाइज भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। साथ ही में अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा, तो इस वीडियो को ज़रा से भी स्किप मत करना। तो सबसे पहले भाई स्टार्ट करिए इसमें मिलता क्या क्या है। तो फ्रंट साइड में अगर बात की जाए तो यहाँ पर भाई आपको फ्रंट साइड में हेलोजन हेडलाइट देखने को मिल जाती है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर अगर बात की जाए तो इसमें साइड इंडिकेटर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में अगर बात की जाए तो 2024 टाटा अल्ट्रोस में आपको न्यू तरीके की ग्रिल आपको देखने को मिल जाती जो आपको 2023 में देखने को नहीं मिलती। और साथ ही में बात की जाए तो 2024 वाला यहाँ पे भाई आपको इसमें 2D वाला टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है। और साथ ही में बात की जाए तो फ्रंट साइड में इसमें आपको कोई भी पार्किंग सेंसर देखने को नहीं मिलते, और अगर बात की जाए तो इसमें आपको कोई भी फॉग लैम्प या DRL देखने को नहीं मिलते। साथ ही में अगर बात की जाए इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की, तो यहाँ पे आपको 165 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है, जो कि भाई यहाँ पे भाई एक हैचबैक के लिए इतनी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती थी। साथ ही में अगर बात की जाए इसके साइड प्रोफाइल बाज, तो साइड प्रोफाइल बाज अगर बात की जाए तो इसमें तो सबसे पहले आपको अगर बात की जाए तो 16 inches के अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं, इसके ऊपर आपको कवर देखने को मिल जाता है। साथ ही में अगर बात की जाए तो इसमें आपको फ्रंट साइड में वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। साथ ही में MRF के आपको टायर देखने को मिलते हैं। और साथ ही में बात की जाए तो साइड इंडिकेटर यहाँ पे आपको इस तरीके से देखने को मिल जाता है, जो कि बॉडी पे आपको इंस्टॉल देखने को मिल जाता है, चाहे आप टॉप मॉडल लो या बॉस बेस मॉडल भी आप लो। इसमें आपको इलेक्ट्रिक फोल्ड मिरर आपको इसमें साइड मिरर आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में अगर साइड प्रोफाइल बाज बात की जाए तो इसमें आपको कोई भी क्रोम डोर हैंडल देखने को नहीं मिलते, कोई भी आपको डोर गार्ड भी देखने को नहीं मिलता। साथ ही में अगर बात की जाए तो इसमें आपको कोई भी रूफ रेल भी देखने को नहीं मिलती, आपको नॉर्मल यहाँ पे आपको इसका साइड प्रोफाइल देखने को मिल जाता है। हाँ, एक चीज़ और इसको प्रीमियम बना देती है, जो कि बेस मॉडल में भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि इसमें आपको पियानो फिनिश की जो लाइन है जो आपको फर्स्ट रो टू सेकेंड रो तक यहाँ पर आपको कनेक्ट कर देती है। साइड प्रोफाइल बाज ये काफ़ी ज़्यादा आपको प्रीमियम लुक देती हुई नजर आती है और प्रीमियम फील कराती है। साथ में अगर बात की जाए तो इसमें यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक का यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है, इसी में यहाँ पे आपको CNG का भी मिल जाता है देखने को। साथ ही में अगर बात की जाए तो बैक साइड में यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है। अब अगर बात की जाए इसके रियर प्रोफाइल वाइज, तो रियर प्रोफाइल वाइज आपको कैसा क्या मिलता है, तो भाई सबसे पहले अगर रियर प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसका आपको व्यू आने वाला है रियर प्रोफाइल का। जहाँ पर अगर बात की जाए इसमें, तो यहाँ पर बैक साइड में आपको कुछ इस तरीके से इसकी टेल लाइट देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको कोई भी यहाँ पे LED टेल लाइट देखने को नहीं मिलती। अगर बात की जाए तो बैक साइड में इसमें आपको यहाँ पे पार्किंग कैमरा देखने को मिल जाता है, साथ ही अल्ट्रोस की बैजिंग देखने को मिल जाती है। और बैक साइड में यहाँ पे इसमें आपको दोनों साइड में पार्किंग सेंसर भी देखने को मिल जाते हैं, साथ ही में .INGA की बैजिंग मिल जाती है CNG वाली। साथ ही में अगर बात की जाए तो इसमें आपको कोई भी डिफॉगर या रियर वाइपर या कोई भी स्पॉइलर भी आपको देखने को नहीं मिलता है। और अगर बात की जाए तो दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाता है। हाँ, अगर एक चीज़ और बात की जाए तो इसमें एंटीना भाई आपको सार्वे एंटीना देखने को नहीं मिलता, नॉर्मल वाला आपको इसमें एंटीना देखने को मिल जाता है। तो भाई ये थी हमारे कार का अल्ट्रोस एक्जेम प्लस ICNG का एक्सटीरियर। अब चल के अगर इसकी इंटीरियर की बात की जाए, इंटीरियर में कैसे क्या मिलता है, तो आइए चल के देखते हैं। इसकी इंटीरियर की बात की जाए तो इंटीरियर कैसे क्या मिलता है, जैसे हम इस कार को अनलॉक करते हैं और इसकी इंटीरियर की बात की जाए तो ड्राइवर साइड के डोर में आपको क्या क्या खास मिल जाता है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग इसका डोर ओपन करेंगे, सबसे पहले तो आपको 90 डिग्री इसका डोर ओपनिंग देखने को मिल जाता है, जो कि भाई यहाँ पर टाटा पंच और अल्ट्रोस में देखने को मिल जाता है और टाटा पंच EV में भी देखने को मिलता है। साथ में अगर स्पीकर की बात की जाए तो एक बड़ा सा स्पीकर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है और ट्यूटर स्पीकर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साथ ही में अगर बात की जाए इस तरीके से, यहाँ पर आपको इसका ORBM कंट्रोल, चारों पावर विंडो का कंट्रोल देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको वाटर वाटर और रखने की स्पेस देखने को मिल जाते हैं, और अम्ब्रेला भी यहाँ पे आप साइड में रख सकते हैं। साथ ही में अगर बात की जाए इसके फाइनली इंटीरियर की, तो आइए चल के देखते हैं।
तो भाई फाइनली अगर इसके इंटीरियर की बात की जाए तो हम लोग अभी आ चुके हैं इसके इंटीरियर में। साथ ही में डैशबोर्ड की बात की जाए तो भाई इसका शुरुआत से ही इस डैशबोर्ड काफी ज्यादा प्रीमियम रहा है देखने में। वाइस अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वालिटी, और यहाँ पे इसके भाई नीचे की बात की जाए डैशबोर्ड में वो भी आपको काफी ज्यादा प्रीमियम लुक यहाँ पे फील कराती है। साथ में अगर बात की जाए इसके सेंटर कंसोल की तो यहाँ पे सेंटर कंसोल में आपको क्या क्या खास मिल जाता है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को नहीं मिलता। साथ ही में अगर बात की जाए तो 12 वाट फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको टाइप सी चार्जिंग का यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। नीचे साइड में यहाँ पे आपको कुछ स्पेस देखने को मिल जाती है। साथ ही में बात की जाए तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला आपको गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको मैनुअली हैंड ब्रेक और 2 कप होल्डर का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको कुछ चार्जिंग पॉइंट देखने को नहीं मिलता। साथ ही में बात की जाए इसके इन्फोटेन सिस्टम की तो यहाँ पे भाई 7 इंच की टच डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, वो भी हरमन की आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही में बात की जाए इसके स्पीडोमीटर की तो यहाँ पे आपको कुछ तरीके से नॉर्मल वाला देखने को मिल जाता है, जो कि आपको फुल्ली डिजिटली यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। साथ ही में बात की जाए तो यहाँ पे स्टीयरिंग के तो वो मल्टी फंक्शन आपको स्टीयरिंग देखने को मिल जाती है, वही 2D वाला यहाँ पे टाटा का आपको 2024 वाला लोगो देखने को मिल जाता है। साथ ही में अगर बात की जाए स्पेस की तो यहाँ पे भी आपको कुछ स्पेस देखने को मिल जाती है। यहाँ पे एक आपको हेलोजन लाइट देखने को मिल जाती है, और इस तरीके से यहाँ पे भी आपको स्पेस देखने को मिल जाती है। खासकर अगर बात की जाए इसकी ग्लव बॉक्स की तो भाई टाटा की जो हर कार है उसकी ग्लव बॉक्स आपको काफी ज्यादा बड़े देखने को मिल जाते हैं। मतलब हर कंडीशन में आपको यहाँ पे ग्लव बॉक्स काफी ज्यादा बड़ा मिलने वाला है कोई भी आप टाटा की अगर कार परचेज करते हैं। साथ ही में आप बात करते हैं चल के इसके सेकंड रो में क्या मिलता है, तो आइए चल के देखते हैं। इसके सेकंड रो की बात की जाए तो सेकंड रो का जब भी इसका हम डोर ओपन करते हैं तो यहाँ से भाई आपको इस तरीके से इसका डोर ओपनिंग करने के लिए मिलता है, और यहाँ पे अभी की बात की जाए डोर की तो वो भी आपको यहाँ पे 90 डिग्री ओपन आपको देखने को मिल जाता है। साथ में अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी एक आपको बड़ा सा स्पीकर और एक 2-टायर स्पीकर आपको देखने को मिल जाता है। पावर विंडो का कंट्रोल देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे सिर्फ आपको वाटर रखने की आपको स्पेस देखने को मिलती है। साथ में अगर बात की जाए इसके स्पेस की तो स्पेस वाइज भाई यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मतलब हैचबैक कार में आपको यहाँ पे अच्छी खासी आपको स्पेस देखने को मिल जाती है। साथ ही में अगर बात की जाए तो रियर एसी इसमें आपको देखने को नहीं मिलते, और इसमें आपको कोई भी रियर में चार्जिंग पॉइंट भी आपको देखने को नहीं मिलते, जो कि यहाँ पे भाई टाटा अल्टोज में थोड़ा बहुत मिसिंग लगता है। अब चल के देखते हैं भाई बूट स्पेस आपको कैसे की मिलती, तो आइए चल के देखते हैं। साथ ही में अगर बूट स्पेस की अगर फाइनली बात की जाए सीएनजी में, वो भी टाटा अल्ट्रोज की, तो जब भी यहाँ पे इसका हम इसका डिग्गी ओपन करेंगे बैक साइड की टेलगेट की, वो भी काफी ज्यादा आपको हैवी फील होने वाले हैं। और हाइड्रोलिक तो आपको देखने को मिल ही जाता है, लेकिन भाई यहाँ पे आपको ट्विन सिलेंडर होने के बावजूद इसमें भाई आपको 210 लीटर की फिर भी बूट स्पेस देखने को मिल जाती है। मतलब टाटा ने स्पेसिस वाइज अपने कारों में काफी ज्यादा वर्क किया है। और अगर बात की जाए सीएनजी सिलेंडर की तो वो भाई आपको कुछ तरीके से यहाँ पे ट्विन सिलेंडर का आपको देखने को मिल जाता है। मतलब अगर और यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे इस तरीके से आपको टूल्स देखने को मिल जाते हैं जो आपको सेफ्टी के लिए हैं। तो भाई यहाँ पे अगर बात की जाए टाटा अल्ट्रोज XGM प्लस ICNG वेरिएंट की तो इसकी एक शोरूम प्राइस हो जाती है स्टार्ट 8,95,000 से इसकी एक शोरूम प्राइस स्टार्ट होती है। आप लोगों को कैसी लगी मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप लोग इसको परचेज करने वाले हैं या जिन जिन लोग परचेज करके रखे हैं बोलो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसी वर्क कर रही है कैसी नहीं। सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।